यस कम बैक ऑल ऑफ यू। यहां पे क्या लिखूं? दैट इज टू शो दैट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। राइट, और हमारा ये स्टार्ट होता है ऐसे, लेट ए बी प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू एक्स आर रेस टू वाई। इक्वेशन नंबर टू, इसको इक्वेशन वन जाने दो, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन। एनीबडी कैन टेल मी वन थिंग, मुझे कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा एक्स इक्वल टू व्हाट एंड वाई इक्वल टू व्हाट? X is equals to 2 and y is equals to minus 1. That's right. This is mathematics. This is not physics. और ऊपर आएगा तो माइनस वन होगा। ये शायद कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। सभी को समझ में आया ये? ओ प्यारे बच्चे लोग, ओके। तो अभी है ना, मेथड इज लाइक दिस। इधर देखो, सब लोग लिखना बंद करो, लिखने का बंद कर दो। अच्छा, डायरेक्ट मैसेज? नो सर, अरे मुझसे बोलना यार। देखो एक बात कर देता हूं, v रेस टू 2 r रेस टू 1 इज सपोज v रेस टू x r रेस टू y, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये समझ में आया माज? ओ माज, ये समझ में आया? यस सर, ओके। नाउ सपोज ये होता v स्क्वायर अपॉन r, तो इसको मैं क्या लिखूं? r के बदले क्या लिखूं? r रेस टू क्या लिखूं? माइनस वन। सो x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस वन, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। माज, ओ माज, आज ये बोल ही नहीं रहा है। ओके के सर, ओके के लिखा, ठीक है। आज बोल क्यों नहीं रहे? जरा लिख के बता, बोल क्यों नहीं रहे? लिख के बता, आंसर दे टाइपिंग में माज। सर ईयरफोन इज नॉट देयर। अरे बोलना फिर, डायरेक्टली बोलना। ओके नाउ ये हो गया, यहां तक समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है यहाँ पे? तो डायरेक्टली ना, a इज l by t square, v इज l by t और r इज l। तो देख वहां दो ट्राई पहले समझ लो, l1 m0 t minus 2 that is proportional to l1 t minus 1। अभी m नहीं लिखोगे तो चलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। r में खाली l होता है ना, r इज l1। जो भी स्टेप समझ में आया मेरे को ना बोलो कि नहीं आया समझ में। सर ये x है, ये y, छोटा छोटा लिखा है, बट अंडरस्टैंड दिस इज x दिस इज y, बाकी तो दिख रहा होगा। यहां तक कोई शक? आप हुसैन, ये समझ में आया हुसैन? यस सर, कैन यू रिपीट वंस? एक्सेलरेशन l अपॉन t स्क्वायर के बदले ये लिखा, ये समझा? यस सर। v के बदले l by t का, तो l1 t minus 1 लिखा, ये समझा? सर v इज वेलोसिटी। हाँ ओके सर, मैंने किया था, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। मैंने ये वाला भी किया था थोड़ी देर पहले, डायरेक्टनेस ऑफ, और r इज रेडियस व्हिच इज l1। ओके सर, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मैथ्स का ये रूल पता है? a raised to m, b raised to n, raised to p can be written as what? Anyone? क्या लिखो? a raised to m, b raised to n, l raised to p is nothing but a raised to m into p into b raised to n into p। ये सुना है कि नहीं? Yes sir। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखो?
प्रोपोर्शनल टू, जल्दी जल्दी बोलो क्या लिखो, ये x है, ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तो, so, l रेस टू x, l रेस टू x और सर t रेस टू माइनस x और इधर l रेस टू, so l रेस टू y, तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये सुना है a रेस टू m into a रेस टू n is equal to what? सर a m n. Very bad answer. Very bad. So is it m plus n? M plus n. Yes. A raised to m n कब होता है बेटा? A raised to n होता है ना? The bracket. Yes sir. ये सब लिख डालो कहीं टॉप पे लिख के रखो. कहीं पे भी ये टॉप पे लिख के रखो. बार बार बताने वाला ना ही हूँ. सिर्फ आज भार्गेश नहीं आया है. ओके मिटा दो, मिटाए दो. नो सर. अच्छा हाँ, अरे मैंने बोला था कॉपी मत करना. एक मिनट मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, बाद में आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी. ओके इधर देखो, कह रहा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास सम जगह है तो यहाँ पे लिखता हूँ. क्या लिखूं एनीबॉडी, एल रेस टू क्या लिखूं, एल रेस टू एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई राइट. X plus y. अभिधि की आवाज आई लेकिन बहुत धीमी आवाज आई. X plus y. X plus y is the right answer. Konan Qureshi, बहुत अच्छा. And t raised to minus x. All right. And इधर एक बार फिर से लिख देता हूँ. Therefore, L one. M0 T minus 2 proportional to L raised to X plus Y M raised to 0 T raised to minus 6 by anybody can tell me PSD क्या है? Anyone? मैंने बताया था कि मैं ये लिखूंगा. बताओ anyone who can tell me? Who is master of the class? मैंने एक बार बोला था कि मैं ये लिखूंगा. बोलो बोलो हुसैन, क्या लग रहा है ये? कोनन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज एक्सप्रेस बाय इक्वल टू, एक्सप्रेस बाय कितना होगा? So one. That's right. And minus x equal to? So minus two. Minus two. And therefore x equal to 2. And therefore 2 plus y equal to 1. And therefore y equal to minus 1. Substitute this in 1. Substitute in 1. Therefore a proportional to v raised to 2. R raised to minus 1. Therefore, A proportional to V square by R. Therefore, A equal to K into V square by R. Where K is? Constant. Cannot be found by method of dimension. But has been experimentally found as, ये आपको लिखना है हर बार. कितना लिखो? Experimentally क्या मिला constant की वैल्यू यहाँ पे? प्यारे बच्चों constant इसका वैल्यू क्या मिला? ये वाला मेन इक्वेशन था. हमने किसको भगा दिया था? इधर इधर से इधर लाते टाइम हमने किसको भगा दिया था? वन वन. द
therefore equal to v square by r. Here. आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से रूलर मार के रिपीट करता हूं, फिर आप लोग कॉपी करेंगे. एक और प्रॉब्लम हम लोग ऐसा करेंगे, विच यू विल डू, आई विल जस्ट लुक इनटू द प्रॉब्लम. सर कुड यू रिपीट व्हाट इज पीएचडी? एचडी इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. मैंने दिया है ये प्रिंसिपल, द डायमेंशन ऑफ सेम फंडामेंटल क्वांटिटी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन. ये लिखा है कि नहीं मैंने? जीतू, ओ जीतू, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. एकदम बढ़िया प्रिपेयर करो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन नेक्स्ट संडे. तो नेक्स्ट संडे को मैं ऐसा करता हूँ, एक घंटे का जो टेस्ट होगा मैकेनिकल, और आधा घंटे का इसके ऊपर रखूंगा मैं. एवरी संडे को आधा घंटे का टेस्ट है ना, इसके ऊपर रखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैंने लेट स्टार्ट किया सो दैट लेट ज्वाइनर विल नॉट सफर. हाँ, एक बार रूलर मारना चालू करूं, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो. कोनन कॉपी किया? कोनन कुरेशी, ओ कोनन. हाँ सर, कर ली. दिखाओ मेरे को अपना लिखा हुआ, अपना लिखा हुआ दिखाओ जरा वीडियो ऑन करके. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी. दिखाना जरूरी है क्या? या जरूरी है, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम बताया मैं लिखती ही नहीं हूँ, तो मैं एकदम शॉक हो गया. अरे लिखती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लिखती हूँ. कभी बाद में? नहीं, मैंने लिखी हूँ सर अभी फिलहाल. तो बता ना बेटा, बता जस्ट नाउ, बिकॉज आई डिडंट लाइक व्हेन यू सेड कि मैं तो देखती रहती हूँ बाद में लिखती हूँ जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद, विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल. हाँ बता. हाँ एक मिनट. हाँ यस यस, गुड गुड गुड. चलो ओके. तो अभी है ना, सब लोग एक बार देखो, पेन रख दो और देखना चालू करो मैंने कैसे किया है. We were told show that equal to v square by r, or we were told get a relation of acceleration with velocity and radius. तो हमने ये वाला पकड़ा पहले कि to show that a equal to v square by r. That is to show that a proportional to v square by r, because one के बारे में हम sure नहीं थे, because by method of dimension we cannot think about, cannot find out constant. अगर ये होता ना get a relation, तो directly हमें लिखना पड़ता let a be proportional to velocity v raised to x r raised to y. अगर ये होता तो हमको ये लिखना पड़ता, ये दिया है इसलिए हमको ये दो स्टेप लिखने पड़े. Call that is equation number one. A का dimension लिख दिया क्योंकि ये बहुत इजी था, v का dimension लिख दिया, r का dimension लिख दिया. यहाँ पे आप m नहीं लिखोगे तो चलेगा. L raised to, इसको x था तो L raised to 1 into x, L raised to, t raised to minus 1 into x, t raised to minus x, L raised to 1 raised to y, L raised to y, L raised to x into L raised to y is L raised to x plus y, t raised to minus x. फिर ये मैंने क्योंकि m था तो हो गया था, एक बार वापस यहाँ लिख दिया. यहाँ पे m नहीं था तो m zero लिख दिया. By principle of homogeneity of dimensional equation, आप पूरा लिखेंगे. Please do not write shortcut like me. आप examination में पूरा लिखेंगे. और यहाँ पे भी पूरा लिखो. X plus y, इधर L का power है 1, इधर L का power है x plus y. तो x plus y is equal to 1. यहाँ पे t का पावर है माइनस टू, यहाँ पे t का पावर है माइनस एक्स. तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर x इक्वल टू 2. ये 2 हमने यहाँ से यहाँ डाला तो 2 प्लस y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू माइनस 1. x और y के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो a प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड r रेज टू माइनस 1, देयरफॉर a प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, देयरफॉर a इक्वल टू कांस्टेंट इन v स्क्वायर अपॉन r. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट.
where k is constant cannot be found by method of dimension, but has been jo diya ho na yahan pe constant maar dene ka, but has been experimentally found as 1. Therefore, a equal to v squared by r. अगर ये कॉपी कर लिया है तो हम लोग बढ़े आगे. सभी ने कॉपी किया, एक जन को पूछता हूं. चलो हुसैन कॉपी किया? यस सर. हुसैन दागिना? यस सर. हुसैन दागिना, वन मिनट. हा हेलो हुसैन. यस सर. कॉपी कर लिया? यस. ओके चलो अभी लिखो. शो दैट टी इक्वल टू, शो दैट टी इक्वल टू पाय रूट ऑफ लंबू जी. टी इज टाइम, एल इज लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चलो कैसे करेंगे? Directly proportional and root L upon G. चलो करना चालू करो. आप क्या किया पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने, कोई मुझे बतावेगा? पहला स्टेप क्या किया आपने? टी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, क्या लिखा? टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल अपॉन जी. लेट टी बी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, यहाँ पे जो टर्म कितनी टर्म है, दो टर्म या तीन टर्म? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड पे टर्म कितनी है? टर्म फिजिकल क्वांटिटी कितनी है राइट हैंड साइड पे? सो ओनली वन. नो देयर आर टू, लेंथ एंड एक्सेलरेशन क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी हां, राइट हैंड साइड पे फिजिकल क्वांटिटी आर टू, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू. नहीं समझ में आया अभी. फिर एक्सेलरेशन आल्सो फिजिकल क्वांटिटी? यस. अरे एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल. क्या एक्सेलरेशन तैयार रहता है क्या, मेजर नहीं करना पड़ता उसका? सॉरी सर, फंडामेंटल क्वांटिटी. यस सर, यस सर. फंडामेंटल नहीं बोल रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूं. तो क्या कितनी है राइट हैंड साइड पे सर? 2. तो 2 नेट एल रेस टू एक्स जी रेस टू. अब डायमेंशन तो बहुत इजी है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? एल जीरो एम जीरो टी जीरो. टी जीरो की क्या, एल वन टी माइनस टू. Sir, so this question is not check the correctness of. क्या?
हाँ बोलो क्या सर. सो वी शुडंट फाइंड द करेक्टनेस सर. नो 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 दिस इज यूज नंबर टू. करेक्टनेस होता तो हमको क्या लिखते हैं, इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन सेम है कि नहीं. यहाँ पे प्रूव दैट, शो दैट, get a relation of period with length and acceleration due to gravity. Where to get a relation between different physical quantities is a use number two. Please don't check kata, find whether it is correct or not, to use number one. Usme khali dimension hi dekhne ka, same hai ki nahi. Yahan pe ye sab jugglery karna padega. Afif. Yes, I understood. Please ask questions. Everyone, please ask questions. Whatever doubt, because I cannot understand what is your doubt, you have to come out. Okay. Kya likhu yahan pe? एल डैश टू क्या लिखूं? प्रिशा एल डैश टू क्या लिखूं? प्रिशा शेट्टी आलोक गुप्ता हुसैन एल डैश टू इधर क्या लिखूं एल डैश टू कहने से. Now you can say ohm, anybody can say x plus y. That's right. And t raised to minus y. Therefore, x plus y is equal to minus y is equal to. Chaliko chalo bol jaldi jaldi bolo. Sir, 2 and 1. Kya? X plus y kitna likhu? So zero. Zero. That's right. And minus y kitna likhu? One. Therefore y kitna? If minus y is one, to y kitna? Minus one. There's something wrong we have done. Kya wrong hai? क्या रॉन्ग है? देयर इज समथिंग रॉन्ग. किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया मेरे को. हु कैन वर्क आउट? हाँ सर, द टी इज विद माइनस टू. दैट्स राइट. ये माइनस टू था तो यहाँ पे टी रेस टू. कोई बोल ही नहीं रहा है. आई डोंट लाइक दिस. अभी बताओ क्या चेंज करूं? ये एल टी इज टू माइनस टू रेस टू वाई ना. अभी क्या लिखूं बोलो 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 कुछ तो बोलो. व्हाट इक्वल टू माइनस टू वाई क्या लिखूं? माइनस टू वाई क्या लिखूं? वन. एंड देयरफॉर व्हाट इज वाई इक्वल टू? माइनस वन बाई टू. And therefore x minus 1 by 2 equal to 0. Therefore x equal to 1 by 2. Substitute in 1. Therefore t proportional to l raised to half and g raised to minus half. L raised to half and G raised to minus half. अब है ना मेरा जरा मैथमेटिक्स समझ लो. मैथमेटिक्स एक मिनट. सभी लोग यहां तक तो समझ में आ गया होगा. अभी आपको मैथ्स की जगलरी कर दी. इधर देखो सब लोग लिखना बंद. इतने में मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं आपको. फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ x यानी x raised to पावर कितना होता है? Half. X raised to half होता है. इनफैक्ट ये जो छुपा हुआ रहता है ये छुपा हुआ यहाँ पे टू समझ लेने का स्क्वायर रूट यानी टू.
ये भी छुपा हुआ है टू एंड दैट इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ. ओके कैन यू टेल मी वन अपॉन रूट एक्स क्या होगा? दैट इज वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ. दैट इज एक्स रेस टू कितना? सर माइनस हाफ. माइनस हाफ. ये कहीं लिखना पड़ेगा सबको. एवरीबडी हैज टू राइट दिस. अच्छा एनीबडी नोस व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स? यहाँ पे तीन है, दो के बदले तीन, तो इट इज एक्स रेस टू व्हाट? वन अपॉन थ्री. वन अपॉन थ्री सबको लिखना है कंपलसरी. अच्छा ये कौन बताएगा? चलो बहुत जबरदस्त पूछ रहा हूँ अभी मैं एक बात. m root of x raised to n will be equal to what? So m upon n. X raised to? X raised to n upon m. ये ध्यान रखना. ये mathematics के लिए बहुत important बातें बताई है मैंने आपको. Friend log also we. हाँ. Friend log also we were doing this. Sir, log. We've done this before. Okay, lovely. Yes, sir. There are newcomer also, na? Yeah, like Conan Qureshi, then Alok Gupta, then अपने group को रोशन कर दिया. किसने? अपने group को रोशन किसने किया? मैंने. हाँ? ये आवाज किसकी आई? ये आवाज किसकी आई भाई? माज की आ गई आवाज? गुड गुड गुड. ओके अब मुझे बताओ क्या करूं. देयरफॉर डी प्रोपोर्शनल टू. अब मुझे कौन बताएगा ये देखने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? रूट ऑफ एल रेस टू हाफ यानी क्या? सर अंडर रूट एल. अंडर रूट एल. एंड व्हाट इज सी रेस टू माइनस हाफ यानी क्या? देखो x रेस टू माइनस हाफ यानी वन अपॉन रूट एक्स. ध्यान रखना उल्टा भी सोचो. उल्टा भी सोचो इफ वन अपॉन रूट एक्स इज x रेस टू माइनस हाफ तो x रेस टू माइनस हाफ इज वन अपॉन रूट एक्स. यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ वन अपॉन रूट जी. दैट्स लवली आंसर विधि. विधि सुपर्ब आंसर बाय यू. तो प्रीशा. प्रीशा प्रीशा वेरी नाइस. तुम जब भी बोलती हो सही आंसर देती हो. I really admire that. लेकिन तुम बोलती क्यों नहीं हमेशा? That is what I don't like. Therefore, t equal to k into root of l by g. The constant के क्या आ रहा है भाई? And has been experimentally found as what? क्या लिखो यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखो बच्चों? 2 pi. 2 pi. That's lovely, Jitu. Therefore, t equal to 2 by under root l by g. मैं एक बार रूलर मार के स्लोली स्लोली हौले हौले रिपीट करता हूं इसको. पहले कॉपी कर लिया हो तो कॉपी कर लो आराम से. फिर मैं इसको रिपीट करने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड इट ब्यूटिफुली. और एक ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम दूंगा होमवर्क के लिए. आप इतना ध्यान रखो अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी, स्टार्ट वर्किंग हार्ड. ये सब है ना, आपको गाइडेंस मिल रहा है, ब्यूटीफुल गाइडेंस. कभी तकलीफ है मेरे पास आ जाओ क्लासेस में, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछो. बट विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो शॉर्टकट. आपको मेहनत करनी ही होगी. ये ध्यान रखना. आपके लिए एडवांटेज क्या है मालूम है? पीपल आर अवेलेबल टू सॉल्व योर डिफिकल्टीज. हम लोगों के लिए पास ये सब नहीं था जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी आजकल. ओके ये रनिंग आउट ऑफ टाइम. ओके ठीक है, समय की बर्बादी नहीं करनी अपने को. तो ये रहा आपके सामने. मैं रिपीट करना चालू करूं? कौन सबसे स्लो कॉपी मास्टर है पता नहीं मुझे. सभी इक्वली फास्ट लगते हैं. ओम कॉपी किया क्या? ओ माज कॉपी. yes, ओके तो ये रहा. मैं रिपीट करना चालू करता हूँ आपके सामने. रूट एक्स यानी स्क्वायर रूट एक्स यानी टू छुपा हुआ है अंदर. दैट इज एक्स रेस टू हाफ.
What about root x? And what about x raised to? Are x raised to minus up? Ulta so x raised to minus up is 1 upon x raised to up, 1 upon root x. Cube root of x, isko andar chupa hua 3 hai na, it is written as x raised to 1 by 3. Root of mth raised to x raised to n. Mth root of x raised to n is x raised to n by m. Now, ye problem pe aa jao. T root 2 pi root of l by g, that is to show that t proportional to root of l by g, humne 2 pi ko bhaga diya. Because 2 pi hamare bas ki baat, hamare bas ki baat, kya hai? Hai ki nahi hai? बस की बात है या नहीं है कोई बोलने कोई तैयार नहीं चलो ठीक है ये t भी प्रोपोर्शनल टू l रेस टू x g रेस टू 1 इक्वेशन नंबर 1 t का डायमेंशन l का डायमेंशन g का डायमेंशन x y फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो l रेस टू 1 रेस टू x इज x l रेस टू 1 t रेस टू -2 l रेस टू y t रेस टू -2y ये दोनों का मिलन कराया तो l रेस टू x y ये अकेला था n को 0 रखा अब बाय principle of homogeneity of dimensional equation x plus y equal to 0 0 equal to 0 kuch likh denge minus 2y equal to 1 therefore y equal to minus half agar main yahan dalu to x minus half equal to 0 x equal to half x aur y dono ki value mil gayi in dono ko substitute karke equation number 1 mein therefore t proportional to l raised to x x ke badle half likha and g raised to minus half therefore t proportional to l raised to half means root of l x raised to minus half 1 upon root x था तो g raised to minus half 1 upon root g हो गया therefore t proportional to root of l by g therefore t will constant into root of l by g the where k is constant cannot be found by method of dimensions but has been experimentally found as 2 pi therefore t will 2 pi root of l by g isn't it very simple bolo ओ बच्चे लोग सर ऑफलाइन क्लास कब चालू होगी ऑफलाइन क्लास जब कॉलेज चालू हो जाएगी स्कूल चालू हो जाएगी हम लोग भी सर सबकी तो हो गई है सब चालू कर दिया है एवरीबॉडी इज गोइंग टू कॉलेज हम लोग के एरिया में तो बहुत ज्यादा क्लासेस में बेटा प्रॉब्लम ये है कि कोई कंप्लेन वंप्लेन किया कोई बीमार पड़ गया ना तुम्हारे सब पेरेंट्स रेडी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट एवरी पेरेंट गिव ऑन माय व्हाट्सएप सर रेडी है सर घर वाले तो सर कंटाल गए हमसे बोलते हैं कब जाओगे बाहर कॉलेज तो जाते हो ना कॉलेज रोज सर 15 से बोले कि सर स्टार्ट हो रही है सर यूनिट स्टार्ट सर फोन चार्ज करके पक गया देखो जैसे ही कॉलेज चालू हो जाएगी हम लोग भी आ जाएंगे ऑफलाइन तुम लोगों के सामने बोल रहे एक प्रॉब्लम ये लिखो ना चेक द करेक्टनेस ऑफ n equal to 1 upon 2l, n is frequency. Nee, check the correction here. Show that. But the frequency kya thi? Yaad karo, anybody can tell me frequency kya thi? Sir, 1 upon t. 1 upon t. All right. T equal to tension. अच्छा एनीबॉडी नोस टेंशन क्या था व्हाट वाज टेंशन सेम एज व्हाट सर एफ अपॉन ए वेरी बैड ओनली टेंशन फ्रिक्शन वेट एक्शन रिएक्शन थ्रस्ट ये मैंने दिया था ऑल आर सेम एज एम ए फोर्स ऑल आर सेम एज रिमेंबर एल तो लेंथ है एम क्या मालूम है एम इज नॉट मास इट इज प्लीज नॉट मास पर यूनिट लेंथ डू यू नो व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ सर एम अपॉन एल एम अपॉन एल तो ये आपको होमवर्क करना है ये आपको होमवर्क करके दुनिया को दिखाना है इज दिस क्लियर बिटा दो इसको एक मिनट
दिस एनीबडी डज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट. पहला स्टार्ट क्या होगा, एनीबडी कैन टेल मी. चलो स्टार्ट मैं दे देता हूँ. स्टार्ट क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे? लेट एनी वन बाय एल. वेरी बैड. हाउ मेनी क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर ऑन राइट हैंड साइड? थ्री. गॉट व्हाट विच आर दोस थ्री? एलटीएम एलटी एंड एम. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इक्वेशन वन के पहले? यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? एक्स वाई जेड. आपको अच्छा एनीबडी इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट शुड बी फाइनल आंसर ऑफ एक्स वाई और जेड सो दैट आवर इक्वेशन इज करेक्ट. ऐसा आ जाए एक्स का आंसर क्या आना चाहिए वन अपॉन एल होने के लिए, रूट टी होने के लिए वाई का आंसर क्या आना चाहिए, वन अपॉन रूट एम होने के लिए जेड का आंसर क्या आना चाहिए? सर एल शुड बी माइनस वन. एक्स इक्वल टू माइनस वन, टी इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट टी लाना है हमको. सर वन वन अप रेस टू वन अपॉन टू. वाई शुड बी हाफ एंड व्हाट अबाउट जेड? सर माइनस वन अपॉन टू. लवली लवली. बस ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको होमवर्क करना है. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू. मैंने काफी इंपॉर्टेंट स्टार्ट दे ही दिया है. एवरीबडी हैज टू डू स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस तो ही आगे मामला बनेगा. चलो मैं चाहता हूँ इतना चालू करो ना. हु गेट्स बिफोर वी एंड? बिफोर वी एंड हु गेट्स इट? हमारे पास समय है 2:05, 2:05. और इसके साथ ही हम लोग खत्म करेंगे इस लेक्चर को. चलो करो 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 करो. मैं जानना चाहता हूँ हु इज अल्टीमेट स्कॉलर ऑफ द क्लास. हो गया लेक्चर हो गया. ये लोग को मैं देख रहा हूँ कि अपने क्लास का कौन है माई का लाल. मुझे कोई नया बच्चा चाहिए एकदम माई का लाल, जैसे आज हुसैन दे आंसर. हुसैन है, ओम है, आलोक है, माज है, रोशनी. हमारी क्लास को रोशन किसने किया? माज. ओके गुड. ये नाम किसने, आवाज किसने की? माज ने किया. वो देयर इज राइट आंसर बट गिव बाय हुम? सर हुसैन. हुसैन लवली. Hussain is impressed by Mars a lot.